स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है। जुड़िए हमसे और साझा करें इस सफर को, जहाँ हर क्लिक एक नया परिचय होता है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसकी शादी हो और उसे एक खूबसूरत दुल्हन मिले, लेकिन घूंघट उठाते ही पता चले कि जिसे दुल्हन बनाकर लाए हैं वो लड़की नहीं कोई भूतनी है, तो सोचिए क्या गुजरेगी उस व्यक्ति पर। ऐसे ही बहुत साल पहले की एक पुरानी घटना है एक गांव की। उस गांव में एक पिंटू नाम का आदमी रहता था। उसका एक मोंटू नाम का नौजवान लड़का था जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। पिंटू ने सोचा कि अब मुझे मेरे लड़के की शादी कर देनी चाहिए। फिर उसने एक बहुत सुंदर लड़की ढूंढी और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी। मोंटू अपने दुल्हन को लेकर घर वापस आ रहा था। पहले के जमाने में दुल्हन अपने ससुराल डोली में बैठ के जाती थी। गर्मी का दिन था और दोपहर के 1 बजे थे। डोली लेके चलने वाले बुरी तरह से थक चुके थे और प्यास से उन लोगों का गला सूख रहा था। रास्ते में उन्होंने एक घने पीपल के पेड़ के नीचे डोली को रोक दिया और पानी पीकर वहीं आराम करने लगे। आराम करते करते उन्हें कब नींद आ गई कुछ पता नहीं चला। जिस पेड़ के नीचे डोली रखी हुई थी वो भूतिया पेड़ था। फिर क्या था, जब चुड़ैल ने पेड़ के ऊपर से देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की डोली में बैठी है, अब मैं इसको अपना शिकार तो जरूर बनाऊंगी। और फिर चुड़ैल ने उस दुल्हन को मार दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। करीब 1 घंटे बाद जब वो लोग की नींद खुली तो डोली लेके आगे बढ़ गए। उनमें से कोई भी इस घटना को समझ नहीं पाया और थोड़ी ही देर में दुल्हन की डोली ससुराल आ गई। रात के समय जब मोंटू अपने कमरे में पहुंचा और दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने का सोच रहा था, तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगी, लेकिन कमरे में रखे ग्लास और जग में पानी नहीं था। वह बाहर पानी लेने जाने लगा, तभी उसकी दुल्हन बोली, रुक जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर उसने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाकर कुएं से पानी भर लिया। यह देखकर मोंटू बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो देखा कि दुल्हन के रूप में यह एक डरावनी चुड़ैल है। फिर चुड़ैल ने उससे कहा कि सुनो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुमने मेरा राज जान लिया है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो शायद तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वापस अपने स्थान पर चली गई। सुबह तक ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तब से गांव में किसी भी दुल्हन की डोली आती थी तो वो लोग डोली को जमीन पे नहीं रखते थे।